हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में ड्रेपरी, स्टिल लाइफ के लिए ड्रेपरी कैसे ड्रॉ करना है, उसे कलर कैसे करना है, इसका आज डेमोंस्ट्रेशन देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में आपको ये जो ड्राइंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्टिल लाइफ का ड्राइंग है। इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए आपको इस प्रकार के ऑब्जेक्ट की रचना आगे की जाती है और उसको देखकर आपको ड्राइंग करना होता है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है, इस बॉक्स का ड्राइंग कैसे करना है, ये जो ड्रेपरी है, पीछे ड्रेपरी है, इस बॉक्स पर ड्रेपरी है, यहाँ पर ड्रेपरी है, इसके फोल्ड, उसका ड्राइंग, कलरिंग कैसे करना है, इस पर आज का स्पेशली एपिसोड होने वाला है। यहाँ पर देखो, ये जो बॉक्स है अलग प्रकार का है, तो अलग अलग प्रकार के बॉक्स ड्रॉ कैसे करना है, परफेक्ट ड्रॉ कैसे करना है, वहाँ पर पर्सपेक्टिव कैसे लाना है, ये सभी बातें यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी दूंगा। बच्चों, यहाँ पर कलर अलग यूज हुआ है, यहाँ पर कलर अलग यूज हुआ है, ये फोर्ड को कलर कैसे देना है, ये आज हम यहाँ पर देखेंगे। आज का मीडियम है ऑयल पेस्टल। मेरा जो मराठी चैनल है आर्ट मास्टर गोरे, वहाँ पर मैंने पोस्टर कलर में यही एपिसोड बनाया है। यही एपिसोड आज ऑयल पेस्टल में होगा, थोड़ा अलग होगा। आपको ऑयल पेस्टल में फर्स्ट पेपर का वर्क करना है, तो आज का यह एपिसोड बहुत यूजफुल और हेल्पफुल होगा। बच्चों, इस चैनल पर एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम के सब सब्जेक्ट पर वीडियो बनाए जाते हैं। आप वो वीडियो देखकर इस दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो। इस चैनल पर इन दोनों एग्जाम का आपको अपडेट मिलेगा, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना है। बच्चों, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट इन दोनों ड्राइंग एग्जाम के नए सिलेबस के ऊपर मैंने एक बुक बनाया है। इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि इंडिया का ये QR कोड वाला फर्स्ट बुक है। आपको हर ड्राइंग के आगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन के आगे एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को आपको मोबाइल पे स्कैन करना है और स्कैन होने के बाद वो ड्राइंग कैसे बनाना है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यह मैं वहां पर सिखाता हूँ। ऐसा ये बुक है। इस बुक को आप परचेस कीजिए। आपको परचेस के लिए कुछ नंबर्स दिए हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ अमेज़न पर भी ये बुक अवेलेबल है। इस बुक को खरीद कर आप अच्छा स्टडी कीजिए और इस दोनों एग्जाम में अच्छा वाला ग्रेड प्राप्त कीजिए। तो जल्दी से इसे परचेस करना है और आपका स्टडी इजी करना है। पहले हम ड्राइंग करेंगे, चलो स्टार्ट करें। बच्चों, आपके सामने जो स्टिल लाइफ रखा जाता है, उसका जो बॉक्स होता है और उसके ऊपर जो कपड़ा होता है, तो अलग अलग एंगल से उस बॉक्स को कैसे ड्रॉ करना है, उसे हम पहले देखेंगे। तो ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, पेपर के इस साइड को हमें पैरेलल निकालना है और उसके पीछे का जो लाइन है वो भी इस लाइन को पैरेलल निकालना है। ये लाइन क्रॉस निकालना है, ये लाइन उसी तरह उसके अपोजिट क्रॉस निकालना है। ये लाइन 90 डिग्री में निकालना है, या बहुत आसान, ये जो पेपर की साइड है इसे पैरेलल निकालना है, ये लाइन इसको पैरेलल निकालना। तो ये बन गई एक स्लैब, बॉक्स बन गया। इसके ऊपर इस प्रकार से कपड़ा डाला जाता है, इस प्रकार से इसके फोल्ड होते हैं। ये जो लाइन है आगे वाला, ये आपको नहीं दिखने वाला है, तो इसे हम इरेज करेंगे। इस प्रकार से ये आपको बॉक्स दिखेगा। अब कॉर्नर वाला बॉक्स कैसे दिखेगा, तो ये लाइन जो है हमको पैरेलल रखना है पेपर की साइड को, ये भी पैरेलल रखना है,
एक खड़ा वाला 90 डिग्री में वर्टिकल लाइन इसको पैरेलल होगा, इस प्रकार से ये लाइन क्रॉस होगा, इससे ये बड़ा दिखेगा और इस ये वाला लाइन इसको पैरेलल होगा और छोटा दिखेगा इस प्रकार से। अब ये लाइन इसको पैरेलल होगा और ये लाइन को ये लाइन पैरेलल होगा इस प्रकार से। ये बॉक्स हो गया, इसका एंगल, इसका साइड, ये साइड से वो ऐसा दिखेगा। अब ये साइड से दिखने वाला इसी प्रकार से निकालना है, ये लाइन है इसको पैरेलल लिया, ये लाइन पैरेलल हो गया, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया इसको पैरेलल, इसको पैरेलल, ये वाला बड़ा लाइन, ये वाला उससे थोड़ा छोटा लाइन, इससे ये पैरेलल और इससे ये पैरेलल, इस प्रकार का बॉक्स। अब कॉर्नर वाला बॉक्स, इस प्रकार का जो कॉर्नर है, तो इस प्रकार का बॉक्स, ये लाइन इससे पैरेलल, इसको पैरेलल, ये लाइन थोड़ा, ये जो डिस्टेंस है इससे थोड़ा कम करना है इस प्रकार से, इसको ये लाइन पैरेलल, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, इससे थोड़ा डिस्टेंस क्या करना है, कम लेना है, और इससे ये डिस्टेंस क्या करना है, थोड़ा कम लेना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये बॉक्स बन गया। तो इस पर कैसे कपड़ा डाला जाता है, तो इस प्रकार से इस पर कपड़ा डाला जाता है और ऐसे फोल्ड होते हैं। बहुत सिंपल आसान सा ये ड्राइंग है इस प्रकार से। अब हम मेन ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक इस पेपर के इस साइड को पैरेलल लाइन लेना है, उसके बाद यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना है, कम रखना है। ये जो लाइन है, ये देखो, ये पेंसिल इतना है, तो ये भी लाइन उतना ही लेना है, पेंसिल इतना, यहाँ पर क्रॉस करना है और यहाँ पर क्रॉस होगा। बच्चों, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल। अब इसको सीधा नीचे लेना है, इसको सीधा नीचे लेना है, इसको यहाँ को, इसको यहाँ को मोड़ना है, इसको यहाँ पर मोड़ना है, इसको यहाँ पर मोड़ना है। अब यहाँ पर फोल्ड होगा, इस प्रकार से फोल्ड होगी, फोल्ड भी ज़्यादा नहीं निकालने हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर बकेट या कोई डस्टबिन या कोई पॉट रखते हैं, इसको अब हम कलर करेंगे ऑयल पेस्टल में। बच्चों, मैंने इस प्रकार के कैमल कंपनी के ऑयल पेस्टल यहाँ पर लिए हैं, उसके साथ साथ ईयरबड, एक कॉटन का कपड़ा, और आपके पास मिक्सिंग के लिए और टिश्यू पेपर होगे तो भी चलेगा। ईयरबड, कॉटन का कपड़ा, टिश्यू पेपर, या अपने हाथ से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पीछे का ट्रेपरी पहले हमें कलर करना है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा व्हाइट कलर यहाँ पर लगाया है, उसके बाद उस पर लेमन येलो। पीछे का जो ड्रेपरी है, कपड़ा है, उस पर फोल्ड नहीं दिखाए तो भी चलेगा और दिखाए तो भी चलेगा। तो पहले मैं इसे प्लेन बनाऊंगा और वो बाद में उस पर फोल्ड बनाऊंगा। इस कर्टन पर लेफ्ट साइड से लाइट आया है तो शैडो राइट साइड पे जाएगा। देखो, इस प्रकार कपड़ा लेना है और
इसको मिक्सिंग करना है इस प्रकार से, इस प्रकार से प्लेन कलर देना है। उसके बाद हमें लेना है ये लॉकर कलर और इस प्रकार से फोड़ निकालना है। फोड़ ज़्यादा नहीं निकालना है, इसको ऐसा कलर करना है, यहाँ पर कलर करना है। अब इसे मिक्सिंग करना है, आप हाथ से भी मिक्सिंग कर सकते हो। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर फोल्ड बनाना है, इसे थोड़ा डार्क करना है तो यहाँ पर ब्राउन कलर का मैं यूज करूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा शैडो है और उसमें थोड़ा वायलेट कलर भी यूज करूँगा और उसे मिक्स करूँगा इस प्रकार से, तो आपको और डार्क शेड मिलेगा। अब यहाँ पर इसके अपोजिट कलर आएगा डार्क कलर, नीचे का ड्रेपरी हम लाइट ग्रीन बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा लाइट आएगा तो मैंने व्हाइट कलर को पहले यहाँ पर दे दिया है, उसके बाद लेमन येलो इस पर दूंगा मैं, उसके बाद ग्रीन, इसको मिक्स करूँगा। यहाँ पर ग्रीन आएगा, लाइट कलर से थोड़ा डार्क बनाएंगे। जो फोल्ड है उस फोल्ड के ऊपर इस ग्रीन को चलाना है। उसके बाद जो ऑरेंज कलर है उसे भी फोल्ड पर चलाना है। ये जो फोल्ड है यहाँ पर उसको थोड़ा देना है, लाइट ग्रीन में मैंने ऑरेंज को मिक्स किया तो सैप ग्रीन होगा, उसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर भी इसे देना है, थोड़ा ग्रीन को भी देना है इधर, ऑरेंज को उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा देना है। तो हमें सैप ग्रीन यहाँ पर बनाना है। मेरे पास सैप ग्रीन का सेट नहीं है, जो बड़े वाला कलर का सेट होता है वहाँ पर आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो डायरेक्टली वो देना है। तो इस आपके पास नहीं है तो इस प्रकार से बनाना है। इसको थोड़ा डल करना है तो आपको ऑरेंज को ज़्यादा देना है इस प्रकार से, ग्रीन लेके ब्लू लेके यहाँ पर और शैडो डार्क बनाना है। ये फोल्ड है इसमें और डिटेल लाना है। मेरे पास कुछ ग्लास मार्किंग पेंसिल्स है, उससे आप यहाँ पर और डिटेल्स कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर आपको ज़रूरत हो तो ईयरबड की मदद से इस प्रकार से मिक्सिंग करना है। जो ज़्यादा छोटा वाला पार्ट है वहाँ पर अपनी उंगलियाँ कपड़ा नहीं जा सकता, तो ईयरबड की मदद से
इस प्रकार से इनको मिक्सिंग करना है। बच्चों यहाँ पर बकेट या डस्टबिन, यहाँ पर डिश, यहाँ पर मग, यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट, नेचर ऑब्जेक्ट, कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट, इनकी जब यहाँ पर अरेंजमेंट होगी तो ये ड्रेपरी और भी खुल के आएगा। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसका जो शैडो है तो अलग नहीं आएगा, तो यही ड्रेपरी का जो डार्क कलर है ग्रीन में वो उसके शैडो के लिए आएगा। बच्चों इस प्रकार से आपको ड्रेपरी को कलर करना है। आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको पसंद आया हो, आपका कुछ आपके कुछ क्वेश्चन हो, बच्चों आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। इसके बारे में आपके कुछ क्वेश्चन है वो भी मुझसे शेयर करने हैं, उस पर मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और इसी तरह के अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।